तो जी आपने छोले कुलचे तो बहुत खाए होंगे, मटर कुलचे भी बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो है हम आपको खिलाएंगे दाल छोले कुलचे जी। नहीं लगेगा तड़का गरमा गरम। ओ भाई साहब क्या बात है। यहाँ हम है इस टाइम हरिद्वार में और हम आपको लेके आए हैं राहुल भाई के दाल छोले कुलचे पे। तो राहुल भाई कौन है, आप ही हो? तो कितने सालों से लगा रहे हो आप ये दाल छोले कुलचे? छह महीने मतलब नया ही काम है। तो ये दाल छोले कुलचे का क्या कॉन्सेप्ट है? पसंद है बस लोगों। यहाँ जहाँ चलता है, जैसे अपने दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे तो छोले कुलचे मटर कुलचे चलते हैं, तो यहाँ दाल कुलचे ज्यादा बिकते हैं। दाल छोले कुलचे तो मेरे को दिखाएंगे जरा ये दाल। ये है भाई दाल, बढ़िया सी घुटी हुई। किस चीज की दाल है ये? मूंग की दाल भाई। मूंग की जी। क्या बात है। तो कैसे मतलब इसको पीस देते हो, क्या करते हो? उबल के ऐसी हो जाती है, है? अरे सही है यार, ये गर्म होती रहती है नीचे। और इसमें क्या चीज है? इसमें छोले का पानी। क्या बात है भाई, ये देखो गजब। इसमें क्या मसाले वगैरह है? कौन कौन से मसाले? बहुत अच्छा। जो छोले उबालने में जो मसाले डालते होगे उसी का पानी रह जाता होगा। हाँ और साथ में छोले कहाँ पे हैं आपके? सब छोले है। ये है भाई इनके छोले। ये मटर तो नहीं है ना? नहीं सर छोले। बहुत बढ़िया। तो ये सब मिक्स करके देते हो आप? सर हम मिक्स करते हैं। जैसे जो दाल कुलचा मांगे, छोले जैसे भी मांगे लोग दे देते हो? हाँ जी। तो एक जरा बनाएंगे जरा कैसे बनाते हैं आप। ये देखो भाई, ये पहले पत्ता देख लो, पत्ते पे। अच्छा पूरे हरिद्वार में पत्ते पे ही दिया जाता है हर चीज़ है खाने पीने की। अच्छा अमूल मक्खन में बनाते हो? वाह भाई वाह। तो पहले भाई इन्होंने अमूल मक्खन के पीस कर दिए। तो जी अब हमारा पत्ता लगने जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने बटर को जो है ये देखो जी कोयले पर रख दिया है। अब क्या करोगे? सब भरूंगा आलू। ये जी आलू है उबले हुए। अब ये क्या डाला आपने? हरी मिर्च। प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। ये क्या? टमाटर। ये आगे जी टमाटर। ये भुनी मिर्च है। भुनी मिर्च। अच्छा भुनी हुई जी। क्या बात है। ये आ गई जी भुनी हुई मिर्च साथ में ये छोले आ गए। अब जो है दाल भाई देखो, ये चीजें तो दिल्ली में ही मिल जाती है, बट दिल्ली में जो है दाल वाल नहीं मिलती इस तरीके से। ये इन्होंने डाल दी दाल, ये और ऊपर से जीरा। अब ये क्या है? सर मसाला। गरम है ये जी। ये आ गया जी नमक। ये आ गई जी लाल मिर्च। ये क्या है? चटनी सर। चटनी पुदीने और ओके। और ये छोले का पानी। ये आ गया जी छोले का पानी। अब भाई लगेगा तड़का गरमा गरम। ओ भाई साहब क्या बात है। जनरली होता क्या अमूल बटर ऐसे ही रख के दे देते हैं, बट ये जो भैया हैं पूरा तड़का पूरा गरम करके तड़का लगा के देते हैं। अब हो रही है जी इसकी मिक्सिंग। पानी और थोड़ी सी प्याज ऊपर से जी सर। और ये हमारा पत्ता इन भैया ने तैयार कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त शानदार है। कितने रुपए का है ये? सर 30 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए कुलचे के साथ है या? सर बिना कुलचे। कुलचे के साथ कितने का है? 50 रुपए का कुलचा भी अमूल बटर में ही सेकते हो? तो छोले कुलचों के अलावा और क्या रखते हो? तरी है भाई। तरी? अरे वाह, चाय की तरह देते हो एकदम। जीरा भाई ये बन रही है तरी, ये पड़ गया जी जीरा और साथ में गया ये नींबू। ये आ गई जी इनकी हरी चटनी। अब क्या जाएगा? ये तरी। ये है भाई असली असली खेल मसालेदार तरी है गर्मा गर्म। अच्छा जी आ जाओ। तो इसके पीने के और भी कोई फायदे हैं या बस टेस्ट है? गला खुल जाएगा। फायदे बहुत हैं। क्या बात है भाई, जुकाम सही कर देता है। ये आ गई जी इनकी छोले कुलचे वाली तरी। ओके
लकड़ी लगाइयो। हां तेरी नीचे लकड़ी लगा। मशहूर कर देंगे भाई। ये आ गया कुलचा, एक ही लगवा रहे हैं हम। भाई हमारा कुलचा भी तैयार हो चुका है। भाई ये देख लो, पहले इन्होंने छोले में दाल वाल सब मिला के बढ़िया से मसाले मसाले डाल के दिया है। अब टेस्ट करके बताओ जरा। और ये दोना भी कुछ देखो अलग टाइप का, बोट स्टाइल में। हाँ यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही मिलता है। हरिद्वार में ना एक चीज अच्छी है कि इको फ्रेंडली चीजों पे खाना दिया जाता है, मतलब पत्तों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो भाई ये साथ में गर्मा गर्म कुलचा, अब देखना ये होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, मतलब अलग होता है या नहीं। कैसा है? अच्छा है, चटपटा है। खांसी क्यों आ रही है? चले में पता है। चटपटा टेस्ट है, मतलब दाल का पता चल रही है या नहीं? नहीं दाल इतनी पता नहीं चल रही, इसका कुछ अलग ही फ्लेवर है, ना तो ये छोले जैसा लग रहा है। हाँ। ना कुछ, और इसका चटपटा सा फ्लेवर है, इसका टेस्ट भी बहुत अलग सा आ रहा है। हम प्लेन भी एक बार खा के देखेंगे। बढ़िया है, बहुत हल्का सा दाल का फ्लेवर भी आ रहा है, हल्का हल्का छोले का भी आ रहा है, क्योंकि अपनी दिल्ली में ऐसी चीज मिलती नहीं है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मसाले है ना, उनका भी एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। भाई एक बार हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमने कुलचा ले लिया है, साथ में ये आ चुके हैं। भाई बहुत ज्यादा बढ़िया टेस्ट है, जबरदस्त है, मेरे को तो मजा आ गया, सीरियसली अमेजिंग। डिफरेंट है थोड़ा सा, साथ में जो इन्होंने अमूल बटर का तड़का मारा था ना ऊपर से, उससे तो भाई स्वाद ही आ गया। भाई हमने इनके दाल छोले कुलचे खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया थे। भैया एक बार एड्रेस बता दो, लोग आएंगे तो आएंगे कैसे? हरिद्वार में किस जगह, कौन सी है ये? आर्यनगर चौक है। कौन सा? आर्यनगर चौक। आर्यनगर चौक, और ये चौक पे ही आप खड़े होते हो? जी भैया। भाई चौक पे ही इनके दाल छोले कुलचे जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बढ़िया हैं, टेस्टी हैं, प्योर अमूल बटर में बना के देते हैं। तो आपका कभी हरिद्वार आना हो तो एक बार इनके दाल। तो इसी तरह वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, शुक्रिया।